पिछले वीडियो में मैंने दीपक नाइट्रेट का फंडामेंटल एनालिसिस किया था और काफी लोगों ने कमेंट्स में बाकी सारे टॉप 5 स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के बारे में भी पूछा। तो आज मैंने टॉप 5 स्पेशलिटी केमिकल का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्पेशलिटी केमिकल में। हाई फ्रेंड्स, आई एम सुनील संगई फ्रॉम रिनिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे टॉप 5 स्पेशलिटी केमिकल्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दीपक नाइट्रेट का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर देखें, क्योंकि वहां पे इनिशियली मैंने डिटेल लेवल पे समझाया कि स्पेशलिटी केमिकल में ऐसे क्या टेलविंड है जिस वजह से लास्ट 3 इयर्स में अमेजिंग रिटर्न्स दिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियो रिकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 5 मिड कैप कंपनीज ली है, नेमली आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, विनीति ऑर्गेनिक्स, एल्काइल अमाइंस और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये पांचों की बात करें तो प्राइमरी ये मिड कैप कंपनीज है, 31,000 मार्केट कैप से लेके 18,000 मार्केट कैप के रेंज में। और इन 5 कंपनीज को हम 12 क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पे पॉइंट्स देंगे और उसी हिसाब से देखेंगे कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। जब भी कंपनीज के बीच में डायलेमा हो कि आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में 4 या 5 कंपनी पसंद आ रही है या 3 कंपनी पसंद आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उनमें से कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बेस्ट तरीका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का। पर्सनली मुझे लगता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है आपका पर्सनल बायसनेस हटा देता है। तो पहला फैक्टर लेंगे हम वैल्यूएशन का पीई रेशियो, अगला फैक्टर कंसिडर करेंगे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से प्राइस टू बुक रेशियो, थर्ड फैक्टर हम कंसिडर करेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो, अगेन ये वैल्यूएशन पैरामीटर रहेगा, और चौथा फैक्टर रहेगा एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये 4 प्राइमरी फैक्टर्स है जिसको मैंने वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कंसीडर किया इस एनालिसिस में, और अगला फैक्टर रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, और 6th पैरामीटर रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 7th पैरामीटर रहेगा सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स परसेंटेज के टर्म्स में, 7th पैरामीटर रहेगा प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स इन परसेंटेज टर्म्स, अगला फैक्टर रहेगा डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद फैक्टर रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद अगला फैक्टर रहेगा डेटर डेज यानी कितने जल्दी आप अपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर सकते हो, और लास्ट फैक्टर रहेगा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो हम देखेंगे कि प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, यानी जितनी ज्यादा होल्डिंग उतना अच्छा, और अगला फैक्टर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी FII प्लस DII की होल्डिंग ऑफ द फ्री फ्लोट, यानी 100 माइनस प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है उसमें से कितना होल्डिंग जो है इंस्टीट्यूशनल यानी FII प्लस DII के पास है। तो सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो की बात करें तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर है, वहीं अगर हम देखें पॉइंट्स के बेसिस पे तो दीपक नाइट्रेट के पास सबसे कम पीई रेशियो और इसीलिए हम देंगे इसे 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर होगा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, वहीं अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज का सबसे कम है यानी 9 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, हालांकि ये इटसेल्फ भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिलेटिवली अगर हम देखें क्वांटिटी एनालिसिस के हिसाब से तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसे मिलेंगे विद 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर अगर हम देखें तो प्राइस टू सेल्स, यूजुअली प्राइस टू सेल्स जो है 2 या 3 के ऊपर जाना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होता है स्पेशली व्हेन इट इज केमिकल इंडस्ट्री, बट करेंटली अगर हम देखें क्वांटिटी एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें करेंटली तो दीपक नाइट्रेट के सबसे कम है अमंग द 5 और विद द प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 6 इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स। अगला वैल्यूएशन फैक्टर है एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस दीपक नाइट्रेट का सबसे कम है और इसे मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी ने कैसे रिटर्न्स बना के दिया, और वहीं अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा है एल्काइल अमाइंस का और उसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, और अगर हम सबसे कम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज का और इसीलिए उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी रिटर्न्स जो ओवरऑल कंपनी ने अपने कैपिटल पे बनाया यानी डेट प्लस इक्विटी के ऊपर कंपनी ने कैसे रिटर्न्स बनाया, वहीं अगर हम देखें सबसे ज्यादा रिटर्न्स एल्काइल अमाइंस ने बनाया और इसीलिए मिलते हैं 5 पॉइंट, और सबसे कम बनाया आरती इंडस्ट्रीज ने इसलिए मिलते हैं 1 पॉइंट। वहीं अगला फैक्टर देखें तो सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ दीपक नाइट्रेट की रही है ऑलमोस्ट 40% के आसपास की और इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और वहीं सबसे कम सेल्स ग्रोथ रही है आरती इंडस्ट्री की और इसीलिए मिलते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं अगला फैक्टर देखें सेल्स इन 5 इयर्स ग्रोथ, तो यहाँ पे अगेन दीपक नाइट्रेट का सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ है और इसीलिए इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और आरती इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे कम सेल्स ग्रोथ रही है और इसीलिए मिलते हैं इसे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें तो प्रॉफिट इन लास्ट 3 इयर्स, अगेन दीपक नाइट्रेट की प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा रही है और इसीलिए मिलते हैं इसे 5 पॉइंट्स, और वहीं सबसे कम अगर हम बात करें तो नवीन फ्लोरिन का और इसीलिए मिलते हैं इसे 1 पॉइंट।
अगला फैक्टर है प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 years इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और वापस जो है दीपक नाइटाइट की प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है ऑलमोस्ट 65% की, और इसे मिलते हैं 5 points, और आरती इंडस्ट्री के सबसे कम रहे हैं और इसीलिए मिलते हैं इसे 1 point. अगला फैक्टर अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी. डेट टू इक्विटी जो है नॉर्मली ये जो बिजनेस है केमिकल इंडस्ट्री का ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसीलिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखना और इंपॉर्टेंट हो जाता है. वहीं अगर हम देखें तो पांचों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है जो कि अच्छी साइन है, और यहाँ पे अगर हम देखें स्पेशली नवीन फ्लोरिन और विनती ऑर्गेनिक्स दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है और इसीलिए दोनों को मिलते हैं 5 points. इसके अलावा अगर हम देखें तो एल्काइल अमाइंस का भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट ही है, बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसलिए हम कोई पर्सनल बायसनेस नहीं रख सकते, इसलिए हमें क्वांटिटेटिव के हिसाब से ही अप्रोच लेनी पड़ेगी और इसीलिए इसे मिलेंगे 3 points. और वहीं अगर हम देखें सबसे कम आरती इंडस्ट्रीज का 1 point, हालांकि 0.71 भी बहुत ज्यादा नहीं होता स्पेशली अगर आप केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें एज पर वैल्यूज जो है पॉइंट्स देने पड़ेंगे. और वहीं अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये दर्शाता है कंपनी इतने एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है. वहीं अगर हम देखें तो विनती ऑर्गेनिक्स के सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और यहीं से मिलते हैं 5 points, और सबसे कम आरती इंडस्ट्री के जो 21% के आसपास है और इसे मिलते हैं 1 point. हालांकि इवन आरती इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छे है, बट क्योंकि हम एक रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1 point देना पड़ेगा. अगला पॉइंट है डेटर डेज. डेटर डेज यानी आप अपने कस्टमर से कितने दिन में आपको पेमेंट मिल जाती है, तो ये जितना कम होता है उतना बेटर है. और यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं तो अगर आपका डेटर डेज कम है तो एक तो आपका कैश फ्लो डेफिनेटली अच्छा रहता है, इसके अलावा जो है आपका एक कंपेयर टू कस्टमर्स कैसा आपका पावर है, बार्गेनिंग पावर है, वो भी दर्शाता है. और वहीं अगर हम देखें दीपक नाइटाइट का डेटर डेज सबसे कम है और इसे मिलते हैं 5 points, और वहीं अगर हम बात करें विनती ऑर्गेनिक्स की तो सबसे ज्यादा डेटर डेज है और इसलिए मिलते हैं इसे 1 point. अगला पॉइंट देखें तो प्रमोटर होल्डिंग. प्रमोटर्स जो होते हैं कोई भी कंपनी के उनको कंपनी की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और जितनी ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है उतना ज्यादा आपको ट्रस्ट करना चाहिए कंपनी को, स्पेशली क्योंकि प्रमोटर की स्किन इज देयर इन द गेम, तो इसलिए आपको प्रमोटर होल्डिंग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. और यहाँ पे अगर हम देखें तो बोथ एल्काइल अमाइंस और विनती ऑर्गेनिक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है. हालांकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसलिए हमें पॉइंट्स इसी आपसे देने पड़ेंगे, तो एल्काइल अमाइंस को मिलते हैं ऑलमोस्ट 5 points और विनती ऑर्गेनिक्स को मिलते हैं 4 points, और रिमेनिंग कंपनीज में से नेविन फ्लोरिन का सबसे कम है और इसलिए मिलते हैं इसे 1 point. अगला इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग. इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग, ये हो जाता है आपका फ्री फ्लोट जो मार्केट में अवेलेबल है, और इसमें से कितना परसेंटेज इंस्टीट्यूशंस होल्ड कर रही है यानी FII प्लस DII प्लस HNI, ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स यानी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा है उस कंपनी पे. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जिससे पता चलता है कि कंपनी में कितना दम है. और वहीं अगर हम देखें तो नवीन फ्लोरिन में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है और इसे मिलते हैं 5 points, और वहीं एल्काइल अमाइंस में सबसे कम है ऑलमोस्ट 11% के आसपास है तो इसे मिलते हैं 1 point. तो ये 12 पैरामीटर है जो बेसिकली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वैल्यूएशन, कंपनी के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ट्रस्ट, और इसके अलावा कैश फ्लो कैसा अच्छा मैनेज करता है, ये सारे क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुझे लगता है एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे पैरामीटर्स हमने कवर कर लिए जिससे हम कंपनी का हेल्थ और वैल्यूएशन दोनों का असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. और क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो आपको जो भी रिजल्ट दिखेगा वो एक न्यूट्रल दिखेगा बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर, बेस्ड ऑन व्हाट कंपनी इज एक्चुअली डूइंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. और वहीं अगर हम पॉइंट्स की टोटल पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं दीपक नाइटेट को विद 64 points, इसके बाद एल्काइल अमाइंस जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है उसे मिलते हैं 52 points, उसके बाद बाकी तीन है विनती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन और आरती इंडस्ट्रीज, ये तीनों को मिलते हैं 39, 37 और 34 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली. और इस हिसाब से हमारा नंबर वन होता है दीपक नाइटर, जो मुझे लगता है ओवरऑल वैल्यूएशन और इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड अदर पैरामीटर्स नंबर वन आता है. तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पर्टिकुलर सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे. आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोज है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे. तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने
हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।